ये देख सकते हैं दोस्तों, सा से बड़ा गांव लिखा है और ये फतेहपुर से रास्ता जो आया है। हम लोग आ चुके हैं जे एस इंटरनेशनल स्कूल के पास, जो कि यूट्यूब वाले बाबा देखते हैं है या नहीं है। बहुत लोग भी आ रहे हैं रातों से, पता नहीं इनका रूम है जो कि यहीं पर रहते हैं। घर पर अभी ताला बंद है फिलहाल, मतलब दरवाज़ा बंद है। ये इनका रूम है, घर है और यही रास्ता गया स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों और गुड मॉर्निंग। सुबह का समय है और चाहे हम लोग का शाम का हो चाहे दोपहर का समय हो, हम लोग की सुबह मॉर्निंग सुबह से ही होती है। तो अभी फ़िलहाल में मैं सिटी स्टेशन पर हूँ क्योंकि जा रहा हूँ फतेहपुर। और फतेहपुर आप लोग जानते ही हैं, एक यूट्यूब वाले बाबा हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है, फेमस है इंटरनेट सुविधा के लिए। जिसको प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व करते हैं, तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, मैं आप लोग को जाने का तरीका बताऊंगा, आप लोग भी जा सकते हैं। हालांकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, देखते हैं उनसे भेंट होता है या मुलाकात होता है कि नहीं। तो आप लोग बने रहिएगा। अभी तो मैं अपने वाराणसी सिटी स्टेशन पर हूँ और फिर जाऊँगा फतेहपुर, और वो भी चोरी चोरा एक्सप्रेस रेलवे है, उसी से मैं जाऊँगा। ये है दोस्तों हमारा रेलवे स्टेशन जो कि सिटी स्टेशन है, और 4:33 हो रहा है अभी। भोरारी का टाइम है, मतलब अभी सुबह नहीं हुआ है। 6 बजे के बाद ही हम लोग सुबह बोलते हैं या तो 5 बजे के बाद। तो अभी समय बाकी है, काफ़ी यात्री लोग आ चुके हैं और इसी एक प्लेटफार्म नंबर 1 पर आएगी चोरी चोरा एक्सप्रेस, उसी से हम जाएंगे। ये करीब 2 दिन से ऐसा कोहरा पड़ रहा है बारिश की वजह से, और दो ये अभी आ चुके हैं प्रयागराज रामबाग। मैं अभी फतेहपुर आ चुका हूँ अपने वाराणसी जंक्शन स्टेशन से फतेहपुर, और देखते हैं किस साइड में जाना है। तो अभी चलेंगे, अभी ऑटो बुक मतलब ऑटो से चलेंगे, देखते हैं कब पहुँच जाते हैं। और 11 तो काफ़ी बज ही गया। और ये देख सकते हैं फतेहपुर स्टेशन है, ये देख रहे हैं। और चलते हैं, मिलते हैं यूट्यूब वाले बाबा से। तो अभी स्टेशन के पास इधर साइड में आ चुका हूँ, अभी बंद है, अभी ऑटो आएगा चलेंगे। और देखते हैं किस साइड से चलते हैं, यही रास्ता गया है दोस्तों। अभी नाश्ता भी नहीं किए हैं, चलेंगे नाश्ता करेंगे, देखते हैं। भूख भी लगा है, 11:30 से ऊपर हो रहा है, 12 बजने वाला है करीब। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, सा से बड़ा गांव लिखा है और ये फतेहपुर से रास्ता जो आया है रेलवे स्टेशन से, और यही गांव गया है। तो इधर ही हम भी चलेंगे। और दोस्तों अभी तो पानी वानी भी नहीं पिए हैं, कुछ खाए पिए भी नहीं दोस्तों। चलते हैं, देखते हैं भेंट होता है नहीं होता है। उनके रास्ते में तो आ गए, मतलब उनके गाँव में आ गए। तो चलिए बने रहिए गाँव कंटिन्यू वीडियो में। हम लोग आ चुके हैं जे एस इंटरनेशनल स्कूल के पास, जो कि यूट्यूब वाले बाबा देखते हैं है या नहीं है। बहुत लोग भी आ रहे हैं रातों से, पता नहीं है कि नहीं। चलिए देखा जाए क्या हुआ। ये उनका स्कूल है, काफ़ी खुशी मिल रहा है और इतने लोग सारे लोग आए हैं वेट करने के लिए यहाँ पर दोस्तों। ये उनका क्लास है, स्कूल है, मतलब रोज़ मोबाइल में देखा करते थे, आज उनको रियल में देखेंगे। इवेंट में गए थे तो हालांकि देखे तो बस भेंट नहीं हो पाया। और ये सब जितने भी है सारे लोग यूट्यूबर लोग हैं, देख सकते हैं सभी लोग इंतज़ार में हैं। और सर के लिए देख रहे हैं गिफ्ट भी आया है, देख रहे हैं। मैं सोचा थोड़ा और आगे होगा, लेकिन देखते हैं अंदर है कि नहीं, अभी तो ताला बंद है, देखते हैं आते हैं कि नहीं। दोस्तों समझ में नहीं आ रहा यूट्यूब वाले बाबा कहाँ गए, तो थोड़ा बहुत मस्ती कर लेते हैं।
ये ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग देख सकते हैं, ये बच्चों का खेल है और हम लोग इस पर एंजॉय कर रहे हैं। इस साइड में झूला उला भी है, दिखाते हैं आप लोग को, बहुत से लोग आते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। आज हम लोग को रियल दिखा रहे हैं, सच में यहाँ पर यूट्यूब वाले बाबा आते हैं। और इनका ये देख सकते हैं स्कूल है, स्कूल में आए हुए हैं, ये झूला भी झूलेंगे देखते हैं। क्योंकि है नहीं तो थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए हम लोग को चाहिए ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों ये देख रहे हैं यहाँ पर झूला झूल रहे हैं, और इस टाइम देख रहे हैं सभी लोग आए हुए हैं, लग रहा है नहीं मिल पाएंगे, इसलिए दोस्तों दुखी हो रहा है इसलिए बात क्योंकि मिल नहीं रहे हैं। और दूसरी बात दुखी है कि उनका तबीयत नहीं सही है, दुखी है। भगवान से दुआ हम लोग करेंगे कि यूट्यूब वाले बाबा अच्छे से ठीक हो जाएं। जय श्री राम। दोस्तों देखते हैं, कुछ देर तक और इंतज़ार करते हैं, अभी फ़िलहाल में 1:30 बज चुका है। सुबह का घर से निकले हैं भोर में का ही, करीब 4:30 बजे का ही निकले हुए हैं हम लोग, तो 4 बजे से पहले का ही हम लोग आ चुके हैं इनके घर पर भी, और घर पर भी नहीं है और लॉक है इनका घर, और यहाँ पर भी सभी लोग आ चुके हैं। हम लोग वेट करते करते घर पर भी आ चुके हैं। अब देखते हैं, ये इनका रूम है जो कि यहीं पर रहते हैं, घर पर अभी ताला बंद है फिलहाल, मतलब दरवाज़ा बंद है। ये इनका रूम है, घर है, और यही रास्ता गया स्कूल, कुछ ही दूरी पर है। देख रहे हैं सुरक्षा लगा हुआ है, सोच रहे हैं आ जाए बता दें कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, फिर देखते हैं डिसाइड हम लोग क्या करते हैं। तो फाइनली मैं बता दूं कि यूट्यूब वाले बाबा हम लोग से मिले नहीं, और उनको थोड़े गले में दिक्कत थी, और स्टोरी भी डाले थे कि हम लोग आ नहीं पाएंगे, आप लोग वापस घर पर चले जाइए, तो हम लोग वापस जा रहे हैं, और उनका घर ये रास्ता यही था। तो दोस्तों बहुत दुख हो रहा है कि मिल नहीं पाए, क्योंकि बहुत उम्मीद लेकर आए थे हम लोग मिलने के लिए। और यहाँ पर भी देखिए 4-5 लोग भी हैं, देख रहे हैं। अब हम लोग जाएँगे स्टेशन पर, और स्टेशन से चले जाएंगे घर पर। दोस्तों मैं अपने रूम पर आ चुका हूँ, और करीब हमको आने में 2 बज गया रात में। मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर उनके यहाँ जाते हैं, उनके घर पर जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर उनका स्टोरी देख कर ही जाएँ, नहीं तो आप लोग भेंट नहीं कर पाएंगे। हम लोग बहुत उम्मीद लेकर गए थे, हम लोग का उम्मीद ही टूट गया, कम से कम 15-20 लोग गए थे दोस्तों। तो उनका उनके जो यूट्यूब वीडियो देखते हैं वहाँ पर इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक दिया रहता है, वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो कर उन्हें आप लोग देख सकते हैं। जो कि हम लोग के जाने के बाद 5 घंटा बाद पहले ही वो स्टोरी डाल चुके थे, लेकिन हम लोग निकल चुके थे 4 बजे भोर में, कोई 8 बजे पहुँच गया था, बताइए। काफ़ी दूर दूर के 1-2-3 लड़के थे जो कि बक्सर से गए थे, हम तो वाराणसी से है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि किसी और लोग के पास पहुँचे और तरीका पता चल जाए कि कब और किस समय पर आते हैं। देख कर ही आप लोग जाइएगा उनके घर पर, चाहे गिफ्ट देना हो, चाहे भेंट करना हो, चाहे चैनल में प्रॉब्लम हो, आप लोग दोनों हो जाएगा। और मैं मेरा इंस्टाग्राम भी है, आप लोग लिंक डाल देंगे, जाकर वहाँ पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। बस दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।